हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर जेशन एंड दिस क्लास विल बी ऑन करंट टॉपिक्स इन इंडियन पॉलिटी सीरीज। स्टूडेंट्स, यू कैन सब्सक्राइब टू सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद दीज फॉर डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेली एमसीक्यूज, स्ट्रेटेजी क्लासेस फॉर यूपीएससी सीएससी, पॉलिटी क्लासेस, इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी टॉपिक्स क्लासेस एंड मच मोर। मैम ऑल्सो टीचिज ऑन अन अकेडमी प्लस। यू कैन यूज द कोड शर्मा 20 टू गेट 10% डिस्काउंट देयर। टू गेट ऑल द PDFs, नोटिफिकेशंस, क्लास नोट्स, यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग UPSC विद दीज। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर टुडे विच इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या NSA। अभी कुछ देर पहले तक NSA काफ़ी न्यूज़ में रहा है। जैसे लास्ट मंथ क्या था, योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट द्वारा NSA इन्वोक किया गया था उन तबलीगी जमात पेशेंट्स के अगेंस्ट जिन्होंने हेल्थ वर्कर्स के साथ कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर शो किया था, ठीक है। और उससे पहले ये कब यूज़ हुआ था, उससे पहले दिल्ली गवर्नमेंट को जनवरी में ये परमिशन दी गई थी कि वो किसी भी प्रोटेस्टर के अगेंस्ट NSA इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मध्य प्रदेश में भी यूज़ हुआ है। तो ये NSA क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और क्या प्रोविजंस हैं जो इसको एक बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट लॉ बनाते हैं, आज हम ये सब देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले NSA इज अ स्ट्रिंजेंट लॉ डेट अलाउज प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर मंथ्स इफ अथॉरिटीज आर सेटिस्फाइड दैट ए पर्सन इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर। तो क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट लॉ है। किस चीज का लॉ है, दैट अलाउज प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ है जिसके अंडर किसी पर्सन को महीनों तक डिटेंशन में रखा जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में, अगर अथॉरिटीज को ये लगे कि वो इंडिया की सिक्योरिटी या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए कुछ थ्रेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, ठीक है। डिटेंशन मतलब स्टूडेंट्स डिटेन करके रखना, ठीक है, ये जेल में रखना। तो डिटेंशन दो तरह की हो सकती है, मतलब जो किसी पर्सन को डिटेन करके रखते हैं, एक तो है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है, जैसे नाम से पता चलता है, प्यूनिटिव फॉर पनिशमेंट, ठीक है। प्यूनिटिव डिटेंशन पनिशमेंट के तौर पे डिटेंशन कब मिलेगी, जब किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस या क्राइम ऑलरेडी कर लिया हो, ऑफेंस इज ऑलरेडी डन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन इज गिवन एज अ पनिशमेंट, ठीक है। कोई किसी ने कोई क्राइम किया है, उसका क्राइम प्रूव हुआ है, फिर उसको पनिश करने के लिए अगर उसे डिटेंशन में रखा जाए तो क्या होगा, प्यूनिटिव डिटेंशन फॉर द पर्पज ऑफ पनिशमेंट। और उसके विपरीत प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, अभी तक कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ है, ठीक है, कोई क्राइम अभी तक कमिट नहीं हुआ है, लेकिन देर इज अ चांस या एप्रिहेंशन दैट ए पर्सन इज गोइंग टू कमिट सम क्राइम, कि अभी तक क्राइम कमिट नहीं किया लेकिन अथॉरिटीज के मन में ये शंका है कि जो ये पर्टिकुलर पर्सन है ये इंडिया की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करना चाहता है, ठीक है। तो उसे वो ऐसा क्राइम कमिट ना कर पाए, इसलिए उस पर्सन को पहले ही अगर डिटेन कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, तो उसे हम बोलेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। जैसे नाम से क्लियर होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का पर्पस क्या है, प्रिवेंटिंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम कमिटिंग द क्राइम, ठीक है। जो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, इट वॉज प्रोमोलगेटेड इन 1980 बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो हमने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट किस लिए यूज होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा कि अगर अथॉरिटीज को ये शंका है कि कोई पर्सन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने वाला है। तो अब हम देखते हैं ग्राउंड्स कौन कौन सी हैं जिसके अंदर किसी पर्सन को NSA के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। तो ग्राउंड्स कौन कौन सी मेंशनड है इसमें, सबसे पहली ग्राउंड है एक्टिंग इन अ मैनर प्रिजुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ इंडिया, रिलेशन ऑफ इंडिया विद फॉरन पार्ट्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अगर कोई पर्सन कुछ ऐसा काम करता है जिसमें इंडिया के डिफेंस को कुछ खतरा हो सकता है, उसके फॉरेन कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या वैसे सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को एट लार्ज कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पर्सन पे NSA को इन्वोक करके उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। और सेकंड क्या इसका ग्राउंड है, रेगुलेटिंग द कॉन्टिन्यूड प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेनर इन इंडिया और विद अ व्यू टू मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर हिज एक्सपल्शन फ्रॉम इंडिया।
ये केस तब है स्टूडेंट्स जब इंडिया में अगर कोई फॉरेन नेशनल है लेकिन ऐसा लग रहा है अथॉरिटीज़ को कि उस फॉरेन नेशनल के इधर होने के कारण इंडिया की जो का जो पब्लिक ऑर्डर है या इंडिया की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब लोग भड़क सकते हैं या कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है किसी फॉरेनर के इंडिया में होने से, तो उस फॉरेनर का इंडिया में होना उसकी प्रेजेंस को रेगुलेट करने के लिए या उसे इंडिया से वापस भेजने के लिए भी एनएसए इन्वोक हो सकता है। तीसरा ग्राउंड है प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रिजुडिशियल टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रिजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज एसेंशियल टू कम्युनिटी। इट इज नेसेसरी सो टू डू कि अगर कोई पर्सन या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन पब्लिक ऑर्डर को की मेंटेनेंस में प्रॉब्लम्स डाल रहे हैं या मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी, कि कुछ कम्युनिटी के लिए एसेंशियल सप्लाईज या सर्विसेज को देने में प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं तब ये एनएसए इन्वोक होता है। जैसे ये अभी जो जिस केस में इन्वोक हुआ है लेटेस्ट यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लिए ये वाली ग्राउंड है, ये वाली ग्राउंड यूज करके उन्होंने एनएसए इन्वोक किया है। ठीक है, उन पर्टिकुलर पेशेंट्स ने जो इस टाइम कोरोना के कारण काफ़ी डेंजरस सिचुएशन चल रही है कंट्री में और उनका जो बिहेवियर था वो एसेंशियल सर्विसेज एंड सप्लाईज को बाकी लोगों तक पहुंचाने में प्रॉब्लम्स डाल रहा था, इसलिए एनएसए इन्वोक किया गया है। आगे हम एनएसए के बारे में कुछ और प्रोविजंस देखते हैं उसके। जैसे स्टूडेंट्स जो आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्मल डिटेंशन में जो सेफगार्ड्स अवेलेबल होते हैं किसी पर्सन के पास कि उसे अगर पर्सन को अरेस्ट किया है तो आपको उसे रीजन ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ठीक है, और उसे पर्सन को हक होता है अरेस्टेड पर्सन को कि वो लीगल प्रैक्टिशनर को अपने को कंसल्ट कर सके, ये सारे जो सेफगार्ड्स हैं सेफगार्ड्स अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22 वाले वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में लागू नहीं होते, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है ना। और ये वाले जो सारे सेफगार्ड्स हैं ये एनएसए के अंतर्गत अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तब भी ये उसको ये सेफगार्ड्स अवेलेबल नहीं है। कौन कौन से सेफगार्ड? प्रोड्यूसिंग द अरेस्टेड पर्सन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एटसेट्रा। मतलब अगर एनएसए के अंदर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसे अपने अरेस्ट के ग्राउंड्स बताना जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के पास सामने लेकर जाया जाए और ना ही उसे कोई लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ना ही उसे खुद को हक होगा कि हक नहीं दिया जाएगा कि वो अपना लीगल प्रैक्टिशनर के साथ कंसल्ट करे और सारा अपना उस वहां से बाहर निकलने का प्रोसेस शुरू करे। तो क्या होता है, अंडर दिस एक्ट ए पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स विदाउट बीइंग चार्ज्ड। तो ये जो प्रोविजन है ये इस एक्ट को बहुत स्ट्रिंजेंट बनाती है। ये क्या है कि कोई केस चलाए बिना पर्सन को चार्ज किए बिना मैक्सिमम से मैक्सिमम एक पर्सन को 12 महीनों तक अरेस्ट कर सकते हैं एनएसए के अंदर, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट नीड्स टू बी इंटीमेटेड दैट ए पर्सन इज डिटेन्ड अंडर एनएसए, ठीक है। जो कंसर्न स्टेट अगर यूनियन गवर्नमेंट लगा रही है तो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको हम एनएसए के अंडर डिटेन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, द डिटेन्ड पर्सन कैन अपील बिफोर हाई कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड। एक हाई कोर्ट के जजेस का एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है, उसके आगे वो जो डिटेन्ड पर्सन है वो अपील कर सकता है, ठीक है, कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया। लेकिन उनको इस ट्रायल के दौरान लॉयर अलाउड नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि आर्टिकल 22 वाले सेफगार्ड्स अवेलेबल नहीं है एनएसए में, तो उन्हें वो अपील कर सकते हैं लेकिन उनको लॉयर अलाउड नहीं है। जैसे नॉर्मल केसेस में क्या होता है, अरेस्ट किया तो अरेस्ट करने की वजह बतानी पड़ती है, लेकिन इधर क्या होता है कि वजह बताए बिना मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 डेज के 10 दिन तक किसी पर्सन को डिटेन करके रख सकते हैं, उसको डिटेन करने की वजह बताए बिना। मैक्सिमम पीरियड, वैसे मैक्सिमम पीरियड कितना है, 12 मंथ्स तक एनएसए के अंदर कोई पर्सन डिटेन किया जा सकता है, लेकिन 10 दिन तक तो उसे वजह बताए बिना ही डिटेन कर सकते हैं, ये बताए बिना कि आपको क्यों हम अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 10 डेज के बाद उनको रीजन ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा।
और इस क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट एडवाइजरी बोर्ड वेन एवर नेसेसरी. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एक एडवाइजरी बोर्ड बनाते हैं इस एक्ट के पर्पज से. तो एडवाइजरी बोर्ड के कितने मेंबर्स होते हैं? तीन मेंबर्स होते हैं. कौन मेंबर्स होंगे? दे आर ईदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, या तो वो हाई कोर्ट के जजेस होंगे और क्वालिफाइड टू बी सो, या फिर या तो हाई कोर्ट के जज हों या फिर हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हों. ऐसा जो बोर्ड होता है वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट को एडवाइज करता है एनएसए के यूज के रिलेटेड. ठीक है, अब हमने इसके प्रोविजंस देख लिए स्टूडेंट्स कि 10 दिन तक तो उसको वजह बताए बिना ही अरेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, और मैक्सिमम पीरियड 12 महीने तक अरेस्ट हो सकता है. और ग्राउंड्स भी देख ली कि किन ग्राउंड में एनएसए के अंडर कोई पर्सन अरेस्ट किया जा सकता है. फिर अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो अथॉरिटी किसी पर्सन को एनएसए के अंडर अरेस्ट कर रही है, डिटेन कर रही है, तो क्या उसके एक्शन पे कोई ये क्वेश्चन उठा सकता है? ठीक है, कि अगर उसके एक्शन पे कुछ क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि कहीं वो गलत तरीके से, मतलब वो ऐसे ही अरेस्ट तो नहीं कर रहे किसी पर्सन को. तो इस एक्ट में एक प्रोविजन है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन की. ठीक है, तो वो क्या कहता है कि नो सूट और एनी अदर लीगल एक्शन अगेंस्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज एक्शन इज सपोज टू बी टेकन इन गुड फेथ. कि जो पब्लिक अथॉरिटी सेंट्रल या स्टेट किसी पर्सन पे एनएसए इन्वोक करके उसे अरेस्ट कर रही है, उनका एक्शन, उस अथॉरिटी का एक्शन इस लॉ के अंडर क्या है, उस अथॉरिटी का एक्शन प्रोटेक्टेड है. इसका मतलब क्या है कि उस अथॉरिटी पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, कोई सूट नहीं चलाया जा सकता. ठीक है, क्यों नहीं चलाया जा सकता? क्योंकि स्टूडेंट्स जो इस एक्ट के ग्राउंड्स हैं वो बहुत सीरियस ग्राउंड्स हैं. जैसे देखो, इंडिया की सिक्योरिटी को रिलेटेड, डिफेंस को रिलेटेड, रिलेशन ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज, या मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड पब्लिक ऑर्डर्स. ठीक है, तो जो उसके ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन एनएसए के अंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू वाले हैं, तो ऐसा सोचा जाता है कि उस अथॉरिटी ने जो एक्शन लिया है वो दैट एक्शन इज टेकन इन गुड फेथ, के बहुत सोच समझ कर थी, लास्ट रिजॉर्ट में ही एनएसए इन्वोक किया गया होगा, इसलिए उस अथॉरिटी का जो एक्शन है वो प्रोटेक्टेड है. ठीक है, उनके अगेंस्ट कोई सूट या लीगल एक्शन नहीं लिया जाता. ये जो प्रोविजन है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन का, ये इस लॉ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए इस लॉ को सिर्फ एक्सेप्शनल कंडीशन के अंदर ही यूज करना चाहिए. मतलब अथॉरिटीज को भी ये चाहिए कि ये वाला जो लॉ है ये जेन्युइन और एक्सेप्शनल कंडीशंस पर ही यूज किया जाए, नहीं तो अदरवाइज इस लॉ को लेकर बहुत कुछ डिस्कशंस भी उठती हैं. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक ड्रेकोनियन लॉ है. ठीक है, इसमें बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, बहुत पावर आ जाती है अथॉरिटीज के हाथों में. लेकिन इसके ग्राउंड्स भी कुछ ऐसे हैं कि अगर इनको यूज करना है फिर बहुत सोच समझ के एक्सेप्शनल कंडीशंस में यूज करना चाहिए इस एक्ट को. ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट से पहले कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे एक्ट्स थे. तो एक था स्टूडेंट्स 1818 में बंगाल रेजोल्यूशन. तो उसमें क्या था, बंगाल रेजोल्यूशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर देता था कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर पाए मेन फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर विदाउट एनी रिकोर्स टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. कि अगर पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस का क्वेश्चन आए तो बंगाल रेजोल्यूशन 3 के अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के रास्ते में जाए बिना अरेस्ट कर सकती थी. फिर एक रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, इसके बारे में हमने काफी बार सुना होगा, कि इसमें भी क्या था कि इट अलाउड कन्फाइनमेंट विदाउट ए ट्रायल. इसीलिए इस एक्ट को रिमेम्बर भी किया जाता है नो अपील, नो वकील, नो दलील वाले एक्ट के रूप में. कि अगर किसी पर्सन को रॉलेट एक्ट के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है, कंफाइन कर लिया गया है, तो ना तो उसकी कोई अपील चलेगी, ना ही उसको कोई वकील दिया दिया जाएगा, और ना ही उसकी कोई दलील सुनी जाएगी. ठीक है, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तब इस एक्ट के अगेंस्ट ही वहां पे चल रहे थे प्रोसेशंस. तो एक ये इंडिपेंडेंट इंडिया में एक्ट आया है मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में. ठीक है, ये भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था. ये उस टाइम की बात है जब इंडिया बांग्लादेश वॉर चल रही थी. तो उस टाइम बांग्लादेश वॉर के कारण इंडिया की इंटरनल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, इंटरनल सिचुएशन में, तो इसलिए ये इनेक्ट किया गया था.
मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन उस वॉर के खत्म हो जाने के बाद भी इस एक्ट को बहुत ज्यादा यूज किया गया बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी पीरियड, के जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उन सबको डिटेन करने के लिए भी ये एक्ट को बहुत यूज किया गया था। ठीक है, इसमें एक्ट में इनडेफिनेट प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड था। ठीक है, फिर 1977 में, उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है उसके द्वारा ये वाला एक्ट तो स्क्रैप कर दिया जाता है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर फिर दोबारा से 1980 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लेकर आते हैं। ठीक है, थैंक यू, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।